आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भारत फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की डील पर हस्ताक्षर हो गए। भारत आए फ्रांस के रक्षा मंत्री जियां ईव ली ड्रियान और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 59,000 करोड़ के इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी एक राफेल की कीमत हथियार सहित करीब 1600 करोड़ रुपए की पड़ेगी। आपको बता दें कि सौदे को लेकर शुरुआती बातचीत 1999 में हुई थी, लेकिन सौदा किसी न किसी वजह से अटका हुआ था। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 साल पहले फ्रांस गए थे, तब उन्होंने 36 राफेल विमान खरीदने की घोषणा की थी। राफेल लड़ाकू विमानों को फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी बनाती है। ये राफेल ऊंचे इलाकों में लड़ने में माहिर है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है, हालांकि अधिकतम भार उठाकर इसके उड़ने की क्षमता 24,500 किलोग्राम है। राफेल की टॉप स्पीड 2,130 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही वजह है कि इसका नाम राफेल रखा गया है। राफेल हवा से हवा और हवा से मैदान में मार कर सकता है। यह एयरक्राफ्ट एक समय में कई एक्शन कर सकता है, जैसे हवा से हवा में मिसाइल से आक्रमण और फायरिंग। वहीं राफेल सौदे पर हस्ताक्षर होने के बाद ये विमान अब 26 महीने के अंदर यानी 2019 में आने शुरू हो जाएंगे। तो भारतीय वायुसेना के बेड़े को और शक्ति देने के लिए आ रहा है राफेल। आज कई सालों के इंतजार के बाद इस डील पर मुहर लग गई है। यहाँ आपको बता दें कि यह सौदा राफेल लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा सौदा है। इससे पहले मिस्र और कतर ने पिछले साल 24 विमानों का ऑर्डर दिया था। देखते रहिए डीबी लाइव।